देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी, मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बात करते हैं कॉटन की। कमजोर सप्लाई मजबूत डिमांड से कॉटन की कीमतों में उछाल आता दिखाई दिया है। रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी रहने से क्रूड महंगा हुआ है, जिससे कॉटन की कीमतों को सपोर्ट मिला है। वहीं महंगे क्रूड से पॉलिएस्टर के दाम में भारी बढ़ोतरी हुई है और पॉलिएस्टर के महंगा होने से कॉटन की कीमतों को सपोर्ट मिला है। हाजिर में कॉटन की कीमतें काफी अच्छी मिलती दिखाई दी हैं। वहीं केडिया एडवाइजरी के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय केडिया के मुताबिक अमेरिका के टेक्सास में मौसम काफी शुष्क होने से चलते कॉटन में तेजी बनी थी और भाव 140 सेंट तक जाता दिखाई दिया था। एक हफ्ते से मार्केट में थोड़ी नरमी भी आई है। अजय केडिया के अनुसार एमसीएक्स कॉटन की कीमतों ने थोड़ा उछाल जरूर दिखाया है, लेकिन कीमतें 45,000 से ज्यादा ऊपर जाती हुई नहीं दिखाई देती है। थोड़ा संभल कर ट्रेड करने की अभी इसमें ज़रूरत है। वहीं कपास की बुआई का सीजन भी है, जिससे कीमतों में गिरावट आ सकती है। कॉटन में गिरावट की काफ़ी कारण है, जैसे कि मार्केट में अभी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार ऊंची कीमत रहने के चलते कपास की बुआई का रकबा बढ़ सकता है। मार्केट टेक्निकली ओवर वोट जोन में है। वहीं कॉटन की कीमतें 35 से 36,000 से 43,000 तक गई हैं। ऊंची कीमतों के चलते कॉटन की मांग में थोड़ी नरमी आई है। ज़्यादा कीमतें रहने के चलते अगर सरकार सक्रिय होती है और कोई फैसला लेती है तो कीमतों पर असर पड़ सकता है। अजय केडिया के अनुसार एमसीएक्स कॉटन में जोरदार गिरावट देखने को मिल सकती है और ये गिरावट 32,000 तक के नीचे में जा सकती है। कॉटन में संभल कर ट्रेड करने की अभी इसमें ज़रूरत है। तो और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।